डायरी का एक पन्ना पाठ का आगे के अनुच्छेद को मैं पढ़कर फिर समझाऊंगी। पहले मैं अनुच्छेद पढ़ूंगी, फिर उसकी व्याख्या करके अपने शब्दों में आपको पाठ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे साथ पुस्तक खोल के बैठा करें और उन लाइनों को ध्यान से पढ़ा करिए। पढ़ने से ही चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए आप पुस्तक के साथ बैठेंगे तो आपको कहानी का जो भाव है ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं डायरी के एक पन्ना पाठ का अगला अनुच्छेद पढ़ती हूँ। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णो दास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनुमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। मोनुमेंट पर झंडा फहराने के लिए लोग वहां इकट्ठे हो गए थे और जो प्रबंध था वो अपने में अनोखा था। सुभाष बाबू के जुलूस की जो जिम्मेदारी पूर्णो दास पर थी उसे उसने पूरी तरह निभाया था। इसी तरह स्त्रियां भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जुट गई थी। वे जगह जगह जुलूस निकालने के अलावा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जबकि पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। मोनुमेंट के पास सवेरे पुलिस का सख्त इंतजाम था। चारों ओर पुलिस देखी जा सकती थी, परंतु 1 बजे तक अंग्रेज पुलिस कम हो चुकी थी। इस बदलाव से लोगों ने सोचा शायद पुलिस अब उतनी सख्ती और मारपीट न करे। आशय यह है कि कोलकाता में आज जैसी सजावट और उत्साह दिख रहा था ऐसा पहले कभी न था। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए लोगों का हर्षोल्लास एवं जोश देखते बनता था। अगले अनुच्छेद को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सब को इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनुमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। अब इस अनुच्छेद को मैं समझाती हूँ आपको, आप पैराग्राफ को पुनः पढ़ लीजिएगा और इसकी व्याख्या के तौर पे मैं कुछ संक्षेप में इसके भावार्थ को आपको समझाती हूँ। सुभाष बाबू मोनुमेंट पर झंडा फहराने के लिए अपने जुलूस के साथ 4:10 पर आए थे। अंग्रेज पुलिस ने उन्हें
चौरंगी पर ही रोकने की कोशिश की। जुलूस में भीड़ की अधिकता और जोश उल्लास इतना अधिक था कि पुलिस जुलूस रोकना पुलिस के बस की बात नहीं रही। वे मोनुमेंट के पास पहुंच गए। सुभाष बाबू के जुलूस को मोनुमेंट की ओर बढ़ने से रोकने में अत्यधिक अंग्रेज पुलिस कर्मियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। अंग्रेज पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया जिससे बहुत सारे लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू भी पुलिस की लाठियों का शिकार हुए, पर इससे पुलिस उनका मनोबल नहीं तोड़ पाई। इस तरह से देखा जाए तो एक नोटिस जारी कर दी गई थी कि जिसमें ये बताया गया था कि 4:10 पर मोनुमेंट में झंडा फहराया जाएगा, मोनुमेंट के ऊपर झंडा फहराया जाएगा। अन्य लोगों के साथ सुभाष बाबू भी पुलिस की लाठियां खाने के बाद वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ते हुए लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे। इस तरह से वे प्रेरणा स्रोत बने हुए थे और सरकार की नोटिस और काउंसिल की नोटिस दोनों जारी हो चुकी थी। मोनुमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, ये बात जारी कर दी गई थी। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, तो सारे लोगों को ये आदेश दे दिया गया था, खुला चैलेंज देकर अंग्रेज पुलिसकर्मियों को कि किसी भी रूप में ठीक समय पर मोनुमेंट पर झंडा फहराना जरूरी है, फहराना ही चाहिए। इस तरीके से ये झंडा फहराने की प्रतिज्ञा को लेकर लोगों में एक नया उत्साह था और सारे लोग आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। अगले अनुच्छेद को पढ़ती हूँ। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब कि मोनुमेंट पर झंडा फहराना ही है किसी भी रूप में। इसलिए वे निरंतर लाठियां खाते हुए भी आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते हुए मोनुमेंट की ओर बढ़ने लगे। आगे का अनुच्छेद पढ़ती हूँ। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह सब आँख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आँख मिच जाती थी मतलब बंद हो जाती थी। इधर यह हालात हो रहे थे कि उधर स्त्रियां मोनुमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। अब इस अंश को मैं अपने शब्दों में व्याख्या के तौर पर समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। झंडा दिवस के अवसर पर
सुभाष चंद्र बोस का जुलूस आगे बढ़ रहा था। उनमें जोश, जुनून एवं देश प्रेम अपने चरम पर था। उनका क्रांतिकारी रूप दर्शनीय था। वे हजारों क्रांतिकारियों एवं जन समूह के साथ आगे बढ़ रहे थे। जोश इतना अधिक था कि पुलिस उन्हें रोक न सकी। वे वंदे मातरम बोलते हुए आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस की लाठियों के बीच भी वे बढ़ते जा रहे थे। झंडा दिवस को सफल बनाने में महिलाएं भी पीछे न थीं। वे पुलिस को परेशान करती हुई उनका एक झुंड मोनूमेंट तक पहुंचकर उसकी सीढ़ियों पर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ती जा रही थी। इनकी संख्या बहुत अधिक थी। सभी के हाथों में झंडे थे। झंडा दिवस को सफल बनाने के प्रयास में ये निरंतर मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी। पुलिस झंडा दिवस को विफल करने के लिए विकराल रूप अपना चुकी थी। वह क्रांतिकारियों और जुलूस में शामिल लोगों पर निर्दयतापूर्वक लाठियां बरसा रही थी। इस तरह से ये निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। अगले अनुच्छेद पर आते हैं।